अगर आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा को रखते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। देखिए, आप सीजन कभी आप किसी एक तकलीफ में जाओ तो आप दुखी जरूर होंगे। अगर आपको कोई गाली दे आपको खराब लगेगा, अगर आपको कोई ताड़ना दे आपको खराब लगेगा, आपको धोखा मिले आपको खराब लगेगा, एक सीजन आपका खराब हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का डिप्रेशन डिमोनिक होता है, कुछ लोग इतने पस्त होते हैं कि ये उनकी परिस्थिति नहीं है, ये एक डिमोनिक एलिमेंट है जो उनकी लाइफ में काम कर रहा है। क्यों? वो इतने शारीरिक हैं और अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रख रख के उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब उनकी आत्मा खुल गई है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के उनके ऊपर। लेकिन जब आदमी घमंडी होता है ना, उसको नहीं समझ में आता वो क्या कर रहा है। सॉल का प्रॉब्लम था, वो इतना घमंडी हो चुका था राजा बनने के बाद कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसी परमेश्वर से लड़ रहा है जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। ये वो लोग हैं जो वही करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। और क्या होता है जब हम वही करते रहते हैं जो हमको करना है, जब हम उस कॉन्शियंस की आवाज़ को दबा देते हैं, जब पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना नहीं चाहते, हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। ऐसे लोग खुश नहीं रहते, ऐसे लोग सब समय फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, डिप्रेस्ड, और इनका जो डिप्रेशन है, इनका जो मूड स्विंग है, ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। इनकी हालत भी सॉल जैसी हो जाती है, इनकी वर्ल्ड है बहुत ग्लूमी हो जाती है। मैं चाहता हूँ, एंड आई होप, जब मैं ये पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको अपनी आँख से कुछ ऐसी कहानी अपने अगल बगल दिख रही है। इनका डिप्रेशन बहुत डिमोनिक रहता है। मेरी यही दुआ है, अगर आपकी वैसी परिस्थिति भी है तो वो बिल्कुल बदल जाए और आप एक स्पिरिट फिल्ड और सॉन्ग फिल्ड बिलीवर बन जाए जो प्रभु की आराधना करता है। ये नहीं हो सकता जब तक हम आज्ञा पालन भी नहीं चले। लेकिन चर्च में कई लोग आते हैं, शुरू शुरू में ठीक चलते हैं, लेकिन उनकी जो ढीठपना है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है कि एक पॉइंट पे आके उनका प्राइड, उनका एंगर इतना हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, वो करेंगे वही जो वो चाहते हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को नकारे। बहुत अद्भुत बात है, चर्च में ऐसे कोई लोग होते हैं जो ओपनली वो काम करते हैं जो प्रभु ने मना किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान नहीं सकते, फिर भी वो मान नहीं सकते कि वो गलत है। अगर उनको ज़्यादा बोलो तो वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो ओबीडियंस में नहीं चल सकते। प्लीज़, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज्ञा पालन में चलने में जिसको कठिनाई होती है, आपके साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो, क्योंकि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, वो आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। ओबीडियंस, आप जो गलत कर रहे हो उसको सही करना। आप किस परिस्थिति से गए, हो सकता है उस परिस्थिति में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, हो सकता है उस परिस्थिति के सामने आप बहुत डाउन हो गए, हो सकता है उस परिस्थिति के कारण आप स्पिरिचुअली थोड़ा वीक हो गए, पर फिर भी सही करने की क्षमता आपसे कभी किसी से नहीं ली। प्रभु बहुत दयालु हैं और वो वेट करते हैं ताकि लोग अपने दुष्टता से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से मुड़ सके। लेकिन एक ऐसी नस्ल के लोग होते हैं जो पूरे फ्लैशली लोग होते हैं। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप आनंदित रहे, इस मिनिस्ट्री में कई लोग आए हैं जो डिप्रेस, सुसाइडल रहते हैं, और एक से एक ढीठ लोग आए हुए जो वर्शिपर्स बन गए, जो प्रभु में आनंदित रहने लगे। ये सिर्फ गाना गा के नहीं होता है, ये पहले अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाने से होता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हमारे शरीर चाहता है तो हम कभी भी आत्मिक अवस्था में नहीं जी पाएंगे। आप ये नहीं बोलोगे, नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा में जीना चाहता हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्रभु से मुड़कर अपना अभिषेक भी खोया है, अपने जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा दिया हुआ आनंद भी खोया है, और अपने आप को खोल दिया हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए। कई लोगों ने स्टार्ट अच्छा किया है, अंत ठीक नहीं किया। और क्वेश्चन नहीं कि आपने स्टार्ट कैसे किया, क्वेश्चन ये कि लाइफ है एंड करने में। उनको उद्धार मिला लेकिन अपने तरीकों से उद्धार नहीं मिला। चर्च में ऐसे लोग हैं, उनको उद्धार मिला हुआ, बोलते हैं जीसस मेरे लाइफ में है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इनको अपने तरीकों से उद्धार नहीं मिला, इनको अपने पुराने जीने के तरीकों से उद्धार नहीं मिला, इनको अपने मन में बनाई हुई मूर्तियों से उद्धार नहीं मिला, इनको अपने जीने के तरीके से, अपने सोच के तरीके से, अपने कल्चर से, अपने घमंड से, अपने गुस्से से, इनको अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर आपके पास कारण है, आप दुखी हैं, अंडरस्टैंडेबल, बट आप दुखी हैं बिना किसी कारण के, दैट शोज कि आपके लाइफ में कोई गड़बड़ी है। दैट शोज कि ये इन्फ्लुएंस अब डिमोनिक है, ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड। कई लोग सवेरे उठते हैं डिप्रेस उठते हैं, रात को ठीक सोते सवेरे डिप्रेस उठते, इसका मतलब है कि आपकी परिस्थितियों के कारण आप इमोशनल नहीं हो, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल दुखी हो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। क्यों? क्योंकि आप अपने हट करके, अपने शारीरिक अवस्था में जी कर, अपने जीवन को इतना खोल दिया है डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस के लिए कि अब आप चाह के भी कई बार खुश नहीं रह सकते। तो साउल की भी हालत वैसी हो जाती है, इमोशनली अनस्टेबल, सब समय जलन से भरा हुआ। क्यों? उसकी जलन बार बार यही होती है,
कि दाऊद के साथ परमेश्वर है, अगर आप सब समय फियरफुल है, दैट इट शोज कि आप परमेश्वर से कहीं ना कहीं आप उसके तरीकों से दूर हो। लेकिन आपको प्रभु ने किसी को बोला माफ करने, आपके हाथ में माफ कर। आप अगर नहीं करेंगे एक टाइम पे आके आपकी सोल इतनी बिटर हो जाएगी, आपका गुस्सा इतना डिमोनिक हो जाएगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन इतनी डिमोनिक हो जाएगी कि आप हर प्रकार के इन्फ्लुएंसेस के लिए खुले हो। फिर कई बार वो सिचुएशन आपके हाथ के भी बाहर है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपील कर करके आपको त्याग दिया। परमेश्वर ने बोला ये आदमी हटी है, ये औरत हटी है, ये मेरी बात नहीं सुनेगी। कई लोग सेवा में हो सकते हैं लेकिन हो सकता है प्रभु ने बहुत पहले त्याग दिया। कई लोग चर्च में हो सकते हैं लेकिन हो सकता है प्रभु ने उनके निर्बुद्धि मन पे, उनके ढीठ पने पे उनको बहुत पहले त्याग दिया। हो सकता है हमसे गलती हुई, हो सकता है हम वीक हुए, हो सकता है एक सीजन में हम कठोर हुए, हो सकता है हम गलत रास्ते चले गए। आप आज वचन सुन रहे, आप में से बहुत से हो सकता है बैकस्लाइड वाले बिलीवर्स हो। आप ना कलीसिया से जुड़े हुए हो, ना प्रभु की इच्छा से जुड़े हुए हो। आप जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो, आप वैसा जियो, लेकिन प्रभु से ठुकरा देने का मतलब है कि आपका जीवन बद से बदतर होता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा करके ही खुश रहना चाहता है, अपनी इच्छा तो कर लेगा लेकिन सच्चा आनंद से वो हमेशा दूर रहेगा। अगर आप वही व्यक्ति हो जिसके लाइफ में वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो डिप्रेशन जो कई बार हाथ में नहीं रहता, वो गुस्सा जो आपके हाथ के बाहर है, वो मूड स्विंग्स जो लोगों को बौखला देते हैं, तो शायद आज भी देर नहीं हुई है। एक सॉफ्ट कोई चीज होती है ना, आप उसको शेप दे सकते हो। जब वचन का पानी किसी मिट्टी पे गिरता है ना, तो मिट्टी कठोर नहीं रहती। उस मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से रूप दे सकता है। आज मेरी दुआ है कि वचन की जो पानी, वचन का जो पानी है, वो हमारी मिट्टी को गीला करे। और पॉइंट ये नहीं आप क्या कर रहे हो, पॉइंट है आप कब उसको छोड़ोगे, आप कब अपना वो गुस्सा त्यागोगे, आप कब क्षमा करोगे, आप कब प्रभु के पास वापस लौटोगे, आप कब विनम्र होगे, आप कब बोलोगे प्रभु नहीं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं।